हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक नॉलेज। सो येस, टुडे वी आर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मींस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मींस बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके उसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा हो तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल, मीन्स हम लोग इसका मतलब क्या समझते हैं? राम फुटबॉल खेल रहा है, राइट? तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, मतलब कि इसका एक कंप्लीट मीनिंग बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं एक सेंटेंस। अब सेंटेंस में होते क्या? मेनली सब्जेक्ट में होना ही होना क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता ही है। अब वो सब्जेक्ट क्या होता है? कि सब्जेक्ट वो होता है कि किसके बारे में हम लोग बात करें। यहाँ पर किसके बारे में बात करें? राम के बारे में बात करें, तो राम हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है किस चीज़ के बारे में बात करें। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करें? फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। अब हम तो जान के सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्रेडिकेट में होते क्या हैं? प्रेडिकेट में बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल्स और बहुत सारे कुछ होते हैं जो प्रेडिकेट में होते हैं, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। अब जान लेते फ्रेज क्या होते हैं। तो फ्रेज सेंटेंस का कुछ ऑपोजिट वर्ड आता है, जैसे कि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस जिसका बन रहा हो, यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंस जिसका बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेज। लाइक फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, राइट? तो जिसका इनकम्प्लीट सेंस बन रहा हो, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके, जैसे कि राम फुटबॉल, इसका कोई मतलब बन नहीं रहा है, मतलब कि इसका इनकम्प्लीट सेंस बन रहा है। राम फुटबॉल मतलब क्या, हम समझे कुछ नहीं समझे, ठीक है? तो इसका भी एक कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा, मतलब कि इनकम्प्लीट सेंस बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। प्ले फुटबॉल, सो ये भी हमारा फ्रेज है। तो अब आपने जानेंगे व्हाट इज़ अ सेंटेंस, व्हाट इज़ अ फ्रेज। तो अब हम जानते हैं, अब जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है? उसमें फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि असर्टिव, डिक्लेरेटिव एंड अफर्मेटिव। ये तीनों एक हैं। आप असर्टिव बोलिए, डिक्लेरेटिव बोलिए या फिर अफर्मेटिव बोलिए, तीनों सेम हैं। आपके डिपेंड हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अब सेकेंड काइंड क्या है? इंटरोगेटिव। थर्ड क्या काइंड क्या है? इम्पेरेटिव। फोर्थ काइंड क्या है? एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ क्या है? ऑप्टेटिव। तो अब हम लोग जानते हैं कि पूरे फाइव काइंड्स क्या होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट काइंड से। तो हमारा फर्स्ट काइंड है डिक्लेरेटिव। वहाँ पे क्या था हमारा? असर्टिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव। तो हमने यहाँ पर लिया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो व्हाट आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस? टेल्स अबाउट समथिंग एंड्स विद फुल स्टॉप। मींस कोई भी सेंटेंस जो हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और वो एंड किससे होता है? हमारा फुल स्टॉप से होता है। जैसे कि आई हैव अ ब्लू ड्रेस, तो ये हमारा, ये कुछ बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि हमारे पास ब्लू ड्रेस है, राइट? तो ये हो जाता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ये एंड्स किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से। अब हमारे जो सेकेंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और वो एंड्स किससे होते हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, व्हाट इज़ योर नेम, और ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, तो इसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज हम एंड कर रहे हैं सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस तक। तो और थर्ड काइंड से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। और नेक्स्ट ये हमारा पार्ट वन था। तो एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट,
एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सो एंड.